धडा आठवा, ऊर्जा शक्तीचा जागर. लेखक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत. लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन पाठात आले आहे. शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते. गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे. तो अभी डॉक्टर माशेलकर कहाँ, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की है? गिरगांव के यूनियन हाईस्कूल में. वे क्या बता रहे हैं कि उनके जीवन में भावे सर, जोशी सर और शिर्के सर इनका बहुत बड़ा ऋण है, यानी कि उपकार है. और जब कभी भी स्कूल की बातें निकलती है तो उन्हें अपने यूनियन हाईस्कूल की बहुत याद आती है और भावे सर, जोशी सर इनकी भी बहुत, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ाया था और उनका उन पर बहुत ही उपकार था. पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार. आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती. तो अभी सबके जीवन में बड़ा बहुत बड़ा योगदान किसका होता है कि उनके माता पिता का. तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उनकी जो माँ थी तो उनके लिए वह सर्वस्व थी और उनके जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्हें घड़ौने यानी कि अभी जो वे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है तो वे क्यों है, क्योंकि वह अपने मामा और माँ की वजह से. इसलिए वे क्या कह रहे हैं, माझ्या बाबतीत तर माझी आई केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती, यानी के लिए उनका सब कुछ जो है तो वह उनकी माता ही थी. आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल. माझे बालपण तेथेच गेले. माझे मामाही याच गावातले. तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल गाव सोडावे लागले. तो लेखक का जो मूल गाव है यानी कि उनका जो बचपन है कहाँ गुजरा है, दक्षिण गोव्यातील माशेल. तो दक्षिण गोवा में जो माशेल गाव है वहाँ पे, और उनके जो मामा थे वो भी वही के थे. और वे क्या बता रहे हैं, बचपन की यादें कि कैसे वो एक मैदान में खेलते थे और एक पिंपल कट्टा, कट्टा यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है उसके आजू बाजू में जो बैठने की जगह होती है वहाँ पे वे बैठ के गप्पे मारा करते थे. यह सब जो बातें हैं उनको याद आती है. उनके जो पिताजी है वे कभी चल बसे जब वे बहुत ही छोटे थे, 6 साल की उम्र के, और उनको उदर निर्वाह के लिए यानी कि अपना जो पेट पालना है, अपनी जो उपजीविका है, इसलिए उनको वह गांव
छोड़ना पड़ा। माशेल हे गाव सोडावे लागले। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोलीमध्ये आम्ही मालक राहत होतो। तो माशेल गाव छोड़कर वे कहाँ आ गए हैं? मुंबई में। और मुंबई में आके वे कहाँ रह रहे हैं? गिरगावातील खेतवाड़ी में, जहाँ पे देशमुख गली है उसमें मालती निवास में वे रहा करते थे। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसूसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्न घेऊन वावरणारा मी। त्या वेळचे वातावरण हे असे होते। तो जब वे गिरगाव में आए, जब वे गिरगाव में रहने आए, तो उनका जो संघर्ष था तो वो किससे था? दारिद्र्य से, यानी कि गरीबी से। और इन सब में क्या था कि उनकी जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन जो माशेलकर है, रघुनाथ माशेलकर है, उन्हें क्या था, उन्हें पढ़ाई से बहुत ही प्यार था, उन्हें बहुत पढ़ना था, लेकिन उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो कैसे जाए, यही सब वे सोचते ही रहते। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, ती खचली नाही। तो लेखक की जो माँ थी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, जो परिस्थिति है उसमें भी वे मात दे रही है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, वेगवेगळी कष्टाची काम ती करत होती। त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला होते। तो हमारी जो परिस्थिति है उसमें साथ देने के लिए कौन था उनके साथ? उनका मामा। त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला। तो मामा की वजह से ही उन्हें जो खेतवाड़ी की प्राथमिक शाला यानी कि प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे एडमिशन मिली। और वे जो स्कूल थी ही शाला महापालिकेची होती, माझ्याप्रमाणेच शाळेची परिस्थिती ही बेताचीच होती। तो वे क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो प्राइमरी स्कूल थी उसकी जो हालत है वह भी उनके ही जैसी थी, लेकिन पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते। पायात चप्पल घालायला नव्हती अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं। तो वे क्या कह रहे हैं कि जिस स्कूल में उन्होंने ऐडमिशन लिया था तो वो उस स्कूल की हालत भी उनके ही जैसी थी, यानी कि वह बहुत ही गरीबी स्कूल था कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज थी वहाँ भी कम ही थी। और लेखक को उनके 12 साल की उम्र तक वे अनवाणी पायानस रहावं लागलं, यानी उनके पास चप्पल भी नहीं थी। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं। तो अभी उनके पास जो है वे एक नया संकट खड़ा हुआ है कि उनके लिए उस हाईस्कूल में प्रवेश लेने के लिए फीस ही नहीं है। तो वे फीस कितनी थी? त्यावेळची हाईस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती, पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले।
तो अभी उन्हें क्या लगा है कि उनके पास इतने तो रुपए थे ही नहीं, 21 रुपए जो स्कूल फीस थी वे उनके पास भरने के लिए नहीं थे। और उनको अभी क्या लगा कि अभी मेरा जो एजुकेशन है वो बंद हो जाएगा। पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही। आजूबाजूच्या बिऱ्हाडातील कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली। त्याचवेळी तिच्या परिचयातील एक मावली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली। तो माने क्या है धीर नहीं छोड़ा है कि उन्होंने हार नहीं मानी है और वे क्या करने लगी, थोड़ा बहुत काम करने लगी कि जिससे उनकी फीस भरी जाए। और उसके लिए वे आजू बाजू के घर में काम करने लगी है और उनके जो जान पहचान के थे उन्होंने उनको फीस दे दी है आणि माझ्या फीची व्यवस्था झाली। पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते। जब तक मुझे मेरी फीस मिलती तब तक गिरगाव के जो रेप्युटेड स्कूल थे तो उनका जो एडमिशन प्रोसेस था वह थम गया था। अखेर युनियन हायस्कूल मध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला। अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच, पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची, अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते। तो अभी उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है कहाँ की है, एक छोटे से कमरे में, और जो आजू बाजू का वातावरण था यानि उसके लिए पोषक नहीं था, पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण नहीं था, फिर भी उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है और जितना हो सके वे पढ़ते ही रहते। मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं। और वे क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उन्हें एग्जाम में भी अच्छे अंक ही आ रहे थे। या युनियन हायस्कूल मधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही तर आयुष्याचा पाया पक्का झाला। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि वे जहाँ पढ़ रहे थे यूनियन हाईस्कूल, तो यूनियन हाईस्कूल के जो टीचर थे वे कैसे थे, सेवा भावी वृत्ति यानी कि हर किसी के लिए अच्छा काम करना, सेवा करना, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांच्यामध्ये स्वतःला झोकून देणे, पढ़ाई पढ़ाने के समय वे क्या करते थे, खुद को उस काम के लिए आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। आमचं हायस्कूलही गरीब होतं त्यामुळे उत्तरपत्रिका घरून न्यावी लागायची, त्यावेळी तिची किंमत 3 पैसे असायची। तो उनके जो स्कूल में हर सैटरडे को क्या होता था, एक छोटा सा टेस्ट होता था, यूनिट टेस्ट होता था। और उनके जो स्कूल की हालत थी वो बहुत ही गरीब थी, बहुत ही दीन थी, इसलिए जो आंसर पेपर है उनको लेके जाना पड़ता था। और अगर वह बाहर से खरीदी करे पेपर तो उसकी कीमत कितने थी, 3 पैसे। आपल्याला कदाचित पटणार नाही पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं।
तो जब उन्हें हर सैटरडे को एक आंसर पेपर लेके जाना पड़ता था तो उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि हर वीक वे 3 पैसे स्पेंड कर सके। इस वजह से क्या होता था कि माँ की आँखों में पानी आ जाता था कि वे ये पैसे कैसे खड़े करेंगी, वह 3 पैसे लेखक को कैसे देगी। आज ही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, पडेल ते काम केले। यह सब जो बातें है वह याद आती है तो लेखक को बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही भय होता है कि वे कितने गरीब थे। और हमेशा क्या याद आता है कि मेरी माँ ने मेरी वजह से कितना कष्ट किया, कितनी मेहनत की, जो काम मिलता था वह वे किया करती थी। कांग्रेस हाउस जवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं एकदा ती तिकडं गेली, रांगेत उभी राहिली तशीच ताटकळत। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। तो मेरी माँ को क्या पता चला था कि कांग्रेस हाउस जवळ कि एक कांग्रेस भवन था वहाँ पे कुछ काम मिलने वाला है, इसलिए वह बहुत देर तक लाइन में खड़ी रही। लेकिन बाद में क्या पता चला कि यह जो काम है, जो पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट कितना पढ़ना चाहिए, तीसरी कक्षा तक जो पढ़े हैं उनके लिए ही वह काम था या उससे ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए। हे ऐकूनच अर्थात ती नाराज झाली, घराकडं मागं फिरली। त्याच वेळी तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नाही। तभी माँ ने क्या तय किया है कि उनको उनके अल्पशिक्षित, यानी कि वे कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत वे जानती थी, इस वजह से उसे वह काम नहीं मिला है। इसलिए उसने क्या तय किया है कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, मैं मेरे बेटी को बहुत ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस जग में शिक्षण के सिवा कोई भी मान सम्मान नहीं देता। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ही हमें क्या मिलेगा इस जग में, इस जीवन में मान सम्मान मिलेगा, नहीं तो कोई हमें मान सम्मान नहीं देता अगर हम अनपढ़ है तो। तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच। माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू। कोरे पाठकोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि वह्या करून द्यायची। अखंड पेन्सिल मिळणं अवघड होतं, त्यामुळं जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलनेच लिहावे लागे। तो मेरी माँ ने जो है मेरे लिए बहुत ही कष्ट किए थे, बहुत ही मेहनत की थी, और उनकी जो मेहनत है वे मैं आपको क्या बताऊँ। वे क्या करती थी कि जो लिखे हुए है जो एम्प्टी पेजेस है, जो आगे लिखे है लेकिन जो पिछला जो पन्ना है पेज का वह ब्लैंक है, तो ऐसे कागज वो मेरे लिए जमा करती और उसका नोटबुक करती। याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले, ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। तो अभी मैं जहाँ पढ़ रहा था यूनियन हाईस्कूल में, तो वहाँ के जो सर थे भावे सर, वे क्या पढ़ाते थे, उन्हें भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स वे पढ़ाते थे, और उन्होंने विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था
लेकिन उन्होंने खाली साइंस ही नहीं सिखाया, लेकिन उसके प्रति उनका जो लगाव है उसे भी बढ़ाया है। उसके प्रति लेखक के मन में बहुत ही प्यार आया है। और जीवनाचं तत्वज्ञान और साइंस का ज्ञान देते देते उन्होंने जो जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है वह भी हमें बताया था। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। भिंगाच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा आणि काहीही जाळता येईल। एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं। तो वह भावे सर जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है और कागज कैसे जलता है अगर हम भींग वहाँ पकड़े तो। और उससे मुझे दो बातें सीखने को मिली, एक थी जो एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा था तो वह था विज्ञान। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गवसलं। त्यांना मी कसा विसरू शकेन। तो भावे सर जो है उन्होंने दिया हुआ ज्ञान जो है वह मेरे जीवन में बहुत बड़ा ही स्थान है। उसको उन्हें मैं कैसे भूल पाऊँगा, यानी कि भावे सर को मैं कैसे भूल पाऊँगा कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया था। क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने लेखक को एकाग्रतेचा मंत्र और विज्ञान यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और साइंस ये दो बातें उन्होंने सिखाई थी, पढ़ाई थी। सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं, संस्कार केले। तो मेरे जीवन में कौन से शिक्षकों का स्थान बड़ा था? खाली भावे सर ही नहीं तो जोशी सर, शिर्के सर और मालेगाव वाला की, जिनकी वजह से मेरा अच्छा व्यक्तित्व बना यानी कि मेरा अच्छा पर्सनालिटी तैयार हुआ है। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली। तो यह जो स्कूल है, यहाँ के जो शिक्षक है, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी पढ़ाई दी है जिसकी वजह से आज मैं एक बड़ा वैज्ञानिक हूँ। जगण्याचे भान दिले। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण क्षण आठवतात आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते। मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि इस स्कूल ने, इस विद्यालय ने मुझे क्या दिया है? संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, यानी कि अगर मुझे जीवन में कुछ बनना है, कुछ संघर्ष करना है, उसके लिए मेरे मन में आत्मविश्वास जगाया है कि कैसे जीना है, इसलिए मुझे क्या दिया है? जगण्याचे भान दिले। तो इस स्कूल ने मुझे क्या दिया है? अच्छा व्यक्तिमत्व दिया है, संस्कार दिए है, मार्गदर्शन दिए है, आत्मविश्वास, जगण्याचे भान, यह सब कहाँ से मिला है लेखक को? स्कूल से। और यह सब याद आते ही उन्हें क्या याद आता है? उनके जो गरीबी के दिन थे कि वे कैसे उन्होंने पढ़ाई की और उनके जीवन में
उनकी माँ, उनके शिक्षक और उनका जो विद्यालय है उसका बहुत बड़ा ही योगदान है। उनके लिए ये तीनों क्या थे? संस्कार केंद्र थे। और यह सब याद आते ही वे कहाँ चले जाते हैं? अपनी स्कूल में। यह सब याद आते ही वे मनोभिमन यानी कि अपने मन से स्कूल के दिनों में यानी कि पुराने दिनों में वे चले जाते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी एक ऊर्जा होती है और हमें क्या करना है, उस ऊर्जा को जगाना है यानी कि अपना जो आलस है वह छोड़ना है और हर किसी के अंदर एक अच्छी ऊर्जा होती है उसको हमें क्या देना है, एक पॉजिटिविटी के साथ उसको बढ़ाना है। अगर हम उस ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएंगे और अच्छी जगह उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम भी कुछ अच्छा बन सकते हैं, अपना जो व्यक्तित्व है वह अच्छा बना सकते हैं। ऊर्जा शक्तीचा जागर स्वाध्याय कृती। प्रश्न पहिला, खालील तक्त्यात माहिती भरून तो पूर्ण करा। एक, लेखकाची माध्यमिक शाळा युनियन हायस्कूल। दोन, लेखकाला घडवणारे शिक्षक भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला। तीन, लेखकाचे जन्मगाव माशेल। चार, ऋण व्यक्त न करता येणाऱ्या व्यक्ती लेखकाचे शिक्षक मामा लेखकाची आई। पाच, मुंबईतील घराचे नाव मालती निवास। प्रश्न दुसरा, आकृती पूर्ण करा। युनियन हायस्कूलमधील शिक्षकांची वैशिष्ट्ये लिहा। एक, सेवाभावी वृत्तीने काम करणारे। दोन, झोकून देऊन काम करणारे। तीन, निरपेक्ष भावनेने काम करणारे। दोन, लेखकाच्या आईचे व्यक्तिमत्व विशेष। एक, खूप श्रम करणारी। दोन, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी। तीन, निश्चयी। चार, शिक्षणासाठी धडपडणारी म्हणजेच लेखकांच्या शिक्षणासाठी धडपडणारी। प्रश्न तिसरा, कारणे लिहा। लेखकाला शिक्षणाबद्दल आंतरिक ओढ निर्माण झाली कारण युनियन हायस्कूलमधील शिक्षकांनी केलेले मार्गदर्शन व दिलेले शिक्षण। लेखकाच्या आईला काँग्रेस हाऊसमध्ये काम मिळाले नाही कारण तिथे फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिले जाणार होते। तीन, लेखकाला गिरगावातील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही कारण प्रवेश फीची व्यवस्था होईपर्यंत त्या शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते। प्रश्न सहावा, स्वमत। भावे सरांचे शब्द हीच खरी माशेलकरांची ऊर्जा या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हा प्रयोग दाखवून भावे सर लेखकांना म्हणाले होते, माशेलकर तुमची ऊर्जा एकत्र करा काहीही जाळता येतं। याचाच अर्थ असा की ज्या विषयाचा ध्यास घेतला आहे त्यात पूर्णपणे स्वतःला झोकून द्या। कोणतीही गोष्ट तुम्ही मिळवू शकता, साध्य करू शकता। खरोखरच आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान लेखकाला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून मिळालं। त्यांना एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि विज्ञान देखील समजलं। भावे सरांच्या शब्दातून त्यांना पुढे जाण्याची, प्रगती करण्याची जबरदस्त ऊर्जा मिळाली। म्हणूनच भावे सरांचे शब्द हीच खरी माशेलकरांची ऊर्जा होय।
प्रश्न दुसरा, शालेय विद्यार्थ्याच्या भूमिकेतील डॉक्टर माशेलकरांचे गुण, तुम्हाला जाणवलेले गुण विशेष सोदाहरण स्पष्ट करा. दुसरं, शालेय विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतील डॉक्टर माशेलकर यांचे तुम्हाला जाणवलेले गुण विशेष सोदाहरण स्पष्ट करा. डॉक्टर माशेलकर यांनी शालेय शिक्षण खूप हालाखीत पूर्ण केले. पायात चप्पलही घालायला नव्हती. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत त्यांना अनवाणी राहावे लागले. वयाच्या 6व्या वर्षी त्यांचे वडील वारले, त्यामुळे गाव सोडून ते व त्यांची आई खेतवाडीमध्ये लहानशा खोलीत राहत होते. आर्थिक परिस्थिती खालावलेली व दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी अल्पशिक्षित आई. या परिस्थितीतही डॉक्टर माशेलकर शिक्षणासाठी आसुसलेले होते. आईची जिद्द व शिक्षकांचे मार्गदर्शन या बळावर माशेलकरांनी प्रगती केली. भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो. या प्रयोगातून माशेलकरांना एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि विज्ञान समजू लागले. संघर्षासाठी आत्मविश्वास बळावला. माशेलकरांच्या जगण्याचे भान आले. शाळा, शिक्षक व परमप्रिय आई हे त्यांचे संस्कार केंद्र होते. डॉक्टर माशेलकर यांची मातृभक्ती ज्या प्रसंगातून ठळकपणे जाणवते ते प्रसंग लिहा. हायस्कूलमध्ये फी भरणे शक्य नव्हते, तरीही लेखकांच्या आईने हिम्मत न सोडता घरकामे करून प्रवेश फीची रक्कम उभी केली. मुलासाठी अपार मेहनत करणारी आईची तयारी होती. दर आठवड्याला द्यायच्या चाचणी परीक्षेसाठी 3 पैशांची उत्तरपत्रिका घेण्याचे आर्थिक बळ नसतानाही प्रचंड कष्ट व पडेल ते काम करण्याचा आईचा करारी स्वभाव होता. काँग्रेस हाऊसजवळ काम मिळेल या आशेने दिवसभर ताटकळत उभे राहण्याचे मनोबळ आईकडे होते. शिक्षणाशिवाय जगात मान नाही अशी खूणगाठ मनात पक्की करून आईने मुलाला खूप शिकण्यासाठी कंबर कसली. यावरून आईचा दृढ निश्चय व शिक्षणाबाबतचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. अशा या दृढ निश्चयी आईमुळे शाळेशी व संस्कार करणाऱ्या शिक्षकांशी लेखकांचा संपर्क आला. आई हीच माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती असे लेखक अभिमानाने सांगतात. या सर्व प्रसंगातून डॉक्टर माशेलकर यांची अपार मातृभक्ती लक्षात येते. माझ्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान या विषयावर तुमचे मत लिहा. प्रत्येकाच्या जीवनात आपल्या शिक्षकाचे स्थान फार महत्त्वपूर्ण असते. माझ्याही जीवनात शिक्षकांचे स्थान फार मोठे आहे. त्यांनी केलेल्या संस्कारांमुळे जीवनाला योग्य दिशा मिळाली. आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याची शक्ती मिळाली. मी आज ज्या मोठ्या पदांवर पोहोचलो आहे ते केवळ माझ्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळेच. म्हणून माझ्या जीवनात शिक्षकांचे स्थान फार मोठे आहे.